एक अच्छे होटल में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के आप हाउसकीपिंग ऑपरेशन को मैनेज नहीं कर सकते हो। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। नमस्ते एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वीडियो। तो टॉपिक इज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है, एक फाइव स्टार होटल में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, इस टॉपिक पे मैंने काफी वीडियोस बनाई है और आप सभी लोगों ने इसे बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट किया है। आज एक वीडियो और लेके आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास काफी इंक्वायरी आ रही थी कि सर डिटेल में बताइए कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर क्या काम करता है, हिंदी में समझाइए। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, जो होटल को अपकीप रखने में, होटल की साफ सफाई हाइजीन को मेंटेन रखने में, गेस्ट के वाव एक्सपीरियंस को इनहेंस करने में, आपकी हाउसकीपिंग टीम को मोटिवेट रखने में, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से अच्छे पीआर बनाने में एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से अच्छे पीआर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके होटल का हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट स्मूथली चले, आपके होटल में गेस्ट बार बार आए, रिपीटेड गेस्ट बार बार आपके होटल में आए, तो इसके लिए आपको अपने हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को हमेशा मोटिवेट रखना है और ये इंश्योर करना है कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने काम को एक प्रॉपर वे में करे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी एचओडी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज अपने हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को हमेशा मोटिवेट रखे, उस पर हमेशा चिल्लाए नहीं, जब कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको समझाए। अगर वो डीमोटिवेट हो गया ना तो उससे आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो फ्रेंड चलो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर क्या काम करता है और उसको कैसे अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना है। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने शिफ्ट में हमेशा टाइम पे पहुंचे एंड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को हमेशा फॉलो करें। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का राउंड लेना है और ये इंश्योर करना है कि आप प्रीवियस शिफ्ट से प्रॉपरली हैंडओवर ले लें। प्रीवियस शिफ्ट से हैंडओवर लेने के बाद आपको प्रीवियस शिफ्ट की लॉग बुक और हैंडओवर बुक को भी पढ़ना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके लिए कोई मैसेज तो नहीं है, गेस्ट की कोई अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग की रिक्वेस्ट नहीं है या फिर अर्ली चेक इन या चेकआउट तो नहीं है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट की प्री ब्रीफिंग से तैयार करनी है जहां पे आपको उन सब पॉइंट्स को मेंशन करना है जो आप अपनी टीम को ब्रीफ करना चाहते हैं, जैसे कि आज कितने अराइवल है, कितने डिपार्चर है, कितने इनहाउस है, वीआईपी इनहाउस वीआईपी अराइवल तो नहीं है, कोई लॉन्ग स्टे गेस्ट तो रुका हुआ नहीं है, कोई सिंगल लेडी ट्रेवल तो नहीं है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल कौन कौन से रूम पे करानी है, आउट ऑफ ऑर्डर रूम कौन कौन से हैं, डीप क्लीनिंग कौन से रूम करने हैं, एक्स्ट्रा क्लीनिंग क्या रहेगा, आज का ट्रेनिंग टॉपिक क्या है, बैंक में कोई फंक्शन तो नहीं है, एक्सेट्रा आपको मेंशन करना है और अपनी टीम की प्रॉपर वे में ब्रीफिंग लेनी है और ब्रीफिंग एकदम एनर्जेटिक होनी चाहिए और ब्रीफिंग लेते वक्त आपको अपनी टीम की ग्रूमिंग भी चेक करनी है और ये इंश्योर करना है कि हर एक एम्प्लॉई प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है। ब्रीफिंग के समय में ही आपको हाउसकीपिंग एसोसिएट को उनकी फ्लोर चेकलिस्ट हैंडओवर करनी है। ब्रीफिंग लेने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपके डिपार्टमेंट में इनफ सप्लाई स्टॉक है या नहीं है, लिनन की क्या कंडीशन है, कहीं आज आपका स्टोर इंडियन डे तो नहीं है। कई होटल्स में क्या होता है कि इंडियन डे फिक्स होते हैं, जैसे कि मंडे एंड वेनेसडे हाउसकीपिंग या फिर ट्यूजडे एंड थर्सडे एफएनबी सर्विस। अगर आज आपका हाउसकीपिंग इंडियन डे है तो आपको ये इंश्योर करना है कि टाइम पे आप स्टोर रिक्वेस्ट को पुट कर सकें, रेज कर सकें एंड स्टोर से सामान लेके अपने हाउसकीपिंग स्टोर में प्रॉपरली अरेंज कर सकें। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि मेन स्टोर में और हाउसकीपिंग स्टोर में कोई सामान नॉट अवेलेबल तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हाउसकीपिंग का इंडियन डे नहीं होता है लेकिन अचानक गेस्ट इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है या फिर अचानक ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है और आपको स्टोर से सामान मंगवाना होता है लेकिन आपका स्टोर इंडियन डे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपने एचओडी को इन्फॉर्म करना है और उसके अप्रूवल के बाद आपको स्टोर से सामान पिकअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने एचओडी को मॉर्निंग रिपोर्ट भेजनी होती है, फिर आपको अपने फ्लोर की पेंट्री में जाना है। हर सुपरवाइजर को फ्लोर अलॉट होते हैं तो आपको फ्लोर की पेंट्री में जाना है, आपको चेक करना है कि आपके फ्लोर की पेंट्री प्रॉपरली क्लीन है या नहीं है, वहां पे प्रॉपरली सामान सप्लाईज को या फिर आपके लिनन को प्रॉपरली स्टैक किया गया है नहीं किया गया है। ऐसा तो नहीं कि सामान आपका ओवर स्टैकिंग हो रहा है। आपको अपने कॉरिडोर को चेक करना है कि हाउसकीपिंग स्टाफ ने उसकी प्रॉपरली वैक्यूमिंग की है नहीं की है,
लिफ्ट लैंडिंग एरिया साफ है या नहीं है। बैक एरिया चेक करने के बाद आपको वैकेंट रूम चेक करना है और ये इंश्योर करना है कि उस रूम पे कोई भी फॉलोअप नहीं है, हाउसकीपिंग क्लीनिंग प्रॉपर की गई है। अगर आपको लग रहा है कि हाउसकीपिंग क्लीनिंग में कुछ फॉलोअप है तो आपको हाउसकीपिंग एसोसिएट को बुलाना है और उस फॉलोअप को रन करवाना है। अगर कुछ मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर पेंडिंग है तो आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करना है कि वो जॉब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए और सेम आपको अपनी चेकलिस्ट में मेंशन करना है। इनकेस कुछ हैवी मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर है जो उस समय कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि एसी लीकिंग हो गया और वो रूम चेक इन पे है यानी कि अराइवल होने वाला है, गेस्ट उसका आने वाला है, तो आपको फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि ये रूम अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें एसी की इशू हो रहा है, लेकिन इसकी जगह आप ये रूम एलोकेट कीजिए। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ताकि इस प्रॉब्लम की वजह से गेस्ट को प्रॉब्लम ना आए। आपको अराइवल रूम चेक करने हैं और फ्रंट ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करना है कि किसी भी गेस्ट को लॉबी में वेट ना करना पड़े। आपको अपने हाउसकीपिंग एसोसिएट को ब्रीफ करना है कि जब भी कोई रूम डिपार्चर हो रहा है तो उसे प्रॉपरली चेक कीजिए, उसमें कुछ डैमेज तो नहीं किया गेस्ट ने, कुछ मिसिंग आइटम्स तो नहीं है, लॉस्ट एंड फाउंड तो नहीं है। ये सब चेक करके आपको फ्रंट ऑफिस को इन्फॉर्म करना है कि रूम इज क्लियर बाय हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद ही वो रूम चेकआउट फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट करेंगे। अगर आपके फ्लोर में कोई रूम डीएनडी है तो आपको ये इंश्योर करना है कि उस रूम के आसपास हाउसकीपिंग एम्प्लॉई कोई भी नॉइस क्रिएट ना करे, गेस्ट की प्राइवेसी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। आपको ये भी इंश्योर करना है कि रूम पे डीएनडी स्लिप टाइम से इंसर्ट की गई है। देखो आपको करना नहीं, आपको हाउसकीपिंग एसोसिएट से करवाना है, लेकिन एज ए सुपरवाइजर आपकी जॉब है कि आप फॉलोअप लें। जब तक आप फॉलोअप नहीं लेंगे तब तक आप ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि काम प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके फ्लोर से ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट टाइम से हाउसकीपिंग डेस्क में गई है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके हाउसकीपिंग एम्प्लॉई टाइम से मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर दे रहे हैं। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके फ्लोर में अगर कोई लॉस्ट एंड फाउंड मिला है तो हाउसकीपिंग एम्प्लॉई ने आपको इन्फॉर्म करके डेस्क में इन्फॉर्म किया है और डेस्क में वो आइटम पहुंचाया है। उसके बाद आपको ऑक्यूपाइड रूम चेक करने होते हैं, आपको डीप क्लीनिंग चेक करनी होती है, आपको ये भी चेक करना होता है कि आपके फ्लोर में अगर आज कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग का टास्क दिया हुआ है तो वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, आपके फ्लोर में पेस्ट कंट्रोल किया गया है नहीं किया गया है, ये सब आपको चेक करना है। आपको गेस्ट से मिलना है, उनके फीडबैक लेने हैं और उनकी फीडबैक रिपोर्ट बनानी होती है जो आपको इवनिंग में अपने एचओडी को शेयर करनी होती है थ्रू मेल या थ्रू व्हाट्सएप या फिर आप लॉग बुक में लिख सकते हैं। अगर कोई गेस्ट की कंप्लेन है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उस गेस्ट की प्रॉब्लम को समझें, उसको सॉर्ट आउट करके गेस्ट को हैप्पी करें। अगर आपको लग रहा है कि आप इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो प्रॉब्लम एस्केलेट करनी है अपने सीनियर को, लेकिन मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ओवर करने से पहले ये इंश्योर करना है कि आपके हाउसकीपिंग एम्प्लॉय ने प्रॉपर चेकलिस्ट भरी है, उनकी चेकलिस्ट आपको चेक करनी है, पेंट्री कॉरिडोर और ट्रॉली वगैरह चेक करनी है कि सब कुछ प्रॉपरली अरेंज है या नहीं है। उनसे प्रॉपर हैंडओवर लेने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि हाउसकीपिंग एसोसिएट ड्यूटी ओवर करने से पहले की मोबाइल और चेकलिस्ट जमा करके गए हैं नहीं करके गए, ठीक है। उसके बाद आपने हाउसकीपिंग एम्प्लॉय से आपने प्रॉपर ढंग से हैंडओवर ले लिया, फिर आप डीब्रीफिंग में नेक्स्ट शिफ्ट के सुपरवाइजर को अपने हैंडओवर देंगे। अगर कोई रूम डीएनडी है, कोई रूम सर्विस रिफ्यूज्ड है, लॉस्ट एंड फाउंड है, या मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर के लिए कोई रूम पेंडिंग रखा हुआ है आउट ऑफ सर्विस में, और कोई गेस्ट का कोई फीडबैक है या गेस्ट की इवनिंग में क्लीनिंग की कोई रिक्वेस्ट है, ये सब आपको हैंडओवर लेना है अपने नेक्स्ट के सुपरवाइजर को। और जाने से पहले आपको इवनिंग रिपोर्ट भेजनी होती है अपने एचओडी को या अपने मैनेजर को, और साथ में आपको ड्यूटी रोस्टर भी बनाना होता है कल के लिए कि आप अपने फ्लोर में कल किसको ऑफ दे रहे हो। वैसे तो ये ड्यूटी रोस्टर एग्जीक्यूटिव बनाता है, लेकिन जहां पे एग्जीक्यूटिव नहीं है वहां पे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ही इस रोल को प्ले करता है। और जाने से पहले वो प्रॉपरली ये इंश्योर करके जाता है कि उसके फ्लोर में सब कुछ सही है और उसने प्रॉपरली अपना हैंडओवर नेक्स्ट शिफ्ट के सुपरवाइजर को दिया है। शिफ्ट ओवर करने से पहले आपको ये भी इंश्योर करना है कि आज आपके डिपार्टमेंट में जो ट्रेनिंग टॉपिक है वो आपने अपनी टीम को ब्रीफ किया है, आपने अपनी टीम को ट्रेनिंग दी है और आपकी टीम को वो टॉपिक क्लियरली समझ में आ चुका है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो ट्रेनिंग टॉपिक आपने कवर किया है उसकी आप एक रिपोर्ट बनाइए और अपने एचओडी के साथ शेयर कीजिए। उसमें स्टाफ के साइन लेना बहुत जरूरी है, कौन कौन से एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग को अटेंड किया है और उनका क्या फीडबैक है, उनको समझ में आया है या उनको और ट्रेनिंग चाहिए, तो ये फीडबैक रिपोर्ट आपको जरूर बनानी होती है। जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको आज बताई है वो है हाउसकीपिंग के मॉर्निंग शिफ्ट सुपरवाइजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और ये बहुत ही इजी वे में मैंने बताई है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर करके अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियो
कैसी लगती है। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।